Hey, this is सनी और आज मैं जो टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेतहाशा ही मैं फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर इस बारे में मैसेजेस आए हैं। सनी भाई हमें ये बताएं क्या प्रोटीन शेक पी के हम वेट लूज कर सकते हैं या क्या प्रोटीन शेक से हमारा वजन कम होता है। बिफोर आई गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक सबसे पहले दिल की गहराइयों से 37 लाख फॉलोअर्स का मैं थैंक यू करना चाहता हूं जिनकी सपोर्ट की वजह से हम यहां तक पहुंचे। मैं इस करम के कहां तक काबिल हजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। साथ ही साथ हमेशा की तरह मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं एवरी वीक आई वांट टू डू अ गिव अवे। सो इस वीडियो के अंदर आपने कमेंट करना है I love my Bollywood body। मैं चाहता हूं आप नीचे लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर I love my Bollywood body और जब हमारे 1000 कमेंट्स पूरे हो गए we'll be choosing a winner। एक विनर को we'll be doing a giveaway जिसके अंदर हम एक फ्री बॉक्स ऑफ प्रोटीन जहां पे भी आप दुनिया में रहते हैं we'll be mailing it to you free of cost। Let's get back into the topic। जैसे मैंने आपके साथ शुरू में मेंशन किया कि सवाल ये आता है कि सनी भाई क्या मैं प्रोटीन शेक पी के वजन लूज कर सकता हूं या वजन लूज कर सकती हूं। सबसे पहले इस चीज के अंदर आपको साइंस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि प्रोटीन शेक हो गया या प्रोटीन कोई भी किसी भी सोर्स से एक्सटर्नल सोर्स से आप ले रहे हैं, क्या आप मीट मच्छी खाते हैं या वेजिटेरियन सोर्सेस से ले रहे हैं। प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर मसल ग्रोथ एंड मसल रिकवरी। मसल ग्रोथ क्या है कि जब आप ये अंडरस्टैंड करो आप जिम में जाते हो या घर पे वर्कआउट करते हो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे आपका मसल जो है वो फटीग में जाता है एक्सर्शन में जाता है। मसल एक ऊन के गोले की तरह होता है, वो आप टूटते हैं, उसके जो धागे हैं उसके जो स्ट्रैंड्स हैं उसके जो फाइबर्स हैं वो टूटते हैं। जब मसल के फाइबर टूटते हैं वो दोबारा जुड़ते हैं। जब आपने एक्सरसाइज की आपने तोड़ लिए मसल को, जब आपने रेस्ट किया वो मसल जुड़ना शुरू होता है। उसके अंदर इट्स वेरी एसेंशियल कि उसको जो न्यूट्रिएंट जैसे आप भूखे हैं अगर आपने रोजा रखा हुआ है नवरात्र के रोजे रमजान के रोजे जब आप भूखे होते हैं आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए फूड चाहिए जो फिर आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसी तरह जब मसल टूटता है तो वो भूखा होता है उसको एनर्जी चाहिए होती है मसल को रिकवरी के लिए और मसल की रिकवरी के लिए आप उसको प्रोटीन देते हैं। आप प्रोटीन के अंदर अगर तो आप लोग मीट मच्छी या वेजिटेरियन सोर्सेज से अपनी प्रोटीन इनटेक पूरी नहीं कर सकते जो कि आई नो मोस्ट ऑफ द केसेस कोई नहीं पूरी कर सकता। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूं। मैं आप देखते हो कि कभी मैं मोटा हो जाता हूं कभी मैं पतला हो जाता हूं कभी किसी फोटोशूट के लिए मैं एब्स निकाल लेता हूं कभी मैं आउट ऑफ शेप हो जाता हूं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप क्या करना चाहते हैं। मुझे भी 15-20 साल इस फील्ड के अंदर हो गए हैं और मैं भी अपनी बॉडी पे यही एक्सपेरिमेंट्स करता हूं कि आप मीट मच्छी खा के या आप वेजिटेरियन सोर्सेज या टोफू या पनीर या किनवा या टैम्फे से आप अपनी प्रोटीन इंटेक पूरी नहीं कर सकते। हेंस यू नीड टू गो फॉर प्रोटीन पाउडर्स। प्रोटीन पाउडर नंबर 1 ये दवाई नहीं है, ये एक डेयरी सोर्स है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट जो कि दूध से बनती है। अब एक सवाल तो ये हो गया कि ये हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यस यू कैन 110% टेक इट। ग्रांटेड कि अगर आपकी प्रोटीन की इंटेक मीट मच्छी या वेजिटेरियन सोर्सेस से पूरी नहीं हो रही जो कि आई एम प्रीटी श्योर कि नहीं हो रही। सेकंड नाउ कम्स डाउन टू प्रोटीन शेक। नाउ प्रोटीन शेक क्या होता है ऑन एन एवरेज डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं। मैं बेतहाशा कंपनियों के प्रोटीन शेक रिव्यू करता हूं। कोई कंपनी आपको 10 ग्राम प्रोटीन देती है, कोई कंपनी आपको 20 ग्राम प्रोटीन देती है, कोई 25 देती है, कोई 30 ग्राम प्रोटीन देती है। सो प्रोटीन शेक इज वेरी एसेंशियल पोस्ट वर्कआउट। जब आपने मसल को तोड़ा मसल के धागे तोड़े अब मसल को रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए। आप प्यासे हैं प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, भूखे हैं भूख बुझाने के लिए खाना खाते हैं। मसल भूखा है उसको रिकवरी के लिए प्रोटीन शेक चाहिए या प्रोटीन सोर्सेज चाहिए। सो प्रोटीन शेक इज वेरी इजी। जैसे अगर आप इतनी चिकन खाओगे तो आपको 25 ग्राम ऑन एन एवरेज 110 ग्राम प्रोटीन 100 से 110 ग्राम चिकन के अंदर आपको 24 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलती है। एक एग वाइट के अंदर 3 से 4 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है। सो अगर आप खाना देखें तो आप सारा दिन चब भी जाएंगे इट्स वेरी हार्ड। दैट्स व्हाई ये प्रोटीन शेक जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, ये हर जगह पे अवेलेबल है बिकॉज इट्स अ वेरी इजी वे टू पुट फूड इन योर बॉडी। इट्स अ फास्टेस्ट वे फॉर योर बॉडी टू एब्जॉर्ब दैट मच प्रोटीन और आपकी मसल रिकवरी हो सके। तो ये तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि प्रोटीन शेक से आपका वेट लूज होता है कि नहीं होता। अब इसी के अगर अंदर आप डेप्थ के जाएं यार सनी भाई मैंने प्रोटीन शेक से मेरा आपने ये तो बता दिया मसल की रिकवरी के लिए लेकिन से वेट लूज होता है कि नहीं होता। अब ये देखो इसकी साइंस क्या है। जब आप वर्कआउट करते हो घर पे करो बाहर करो बैठ के लगाते हो स्क्वाट्स लगाते हो पुशअप लगाते हो या प्रॉपर वेट लिफ्टिंग करते हो लड़का हो कि लड़की हो आपके मसल टूटते हैं। जब मसल टूटते हैं उन्हें रिकवरी चाहिए। जब रिकवरी के लिए आप प्रोटीन देते हो तो मसल रिकवर होते हैं। जितने ज्यादा आपकी बॉडी में मसल होंगे लड़की है उतना टोनिंग ज्यादा है, लड़का है उतना मसल बिल्डिंग ज्यादा है, उतनी पेटीट लीन एथलेटिक एस्थेटिक बॉडी लगेगी। उसका बेनिफिट ये है द मोर मसल देयर इज द फास्टर योर मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू बी। जितना आपका मेटाबॉलिज्म यानी खाने को पचने का, हजम कराने का सिस्टम तेज है, उतना आपकी बॉडी आपकी फैट को खाएगी। आपने वर्कआउट किया, आपने प्रोटीन लिया, आपने गंद बला नहीं खाया, आपने रोटियां राइस राइट अवे आफ्टर वर्कआउट नहीं खाया, तब हुआ क्या कि आपने प्रोटीन तो दे दिया, मसल रिकवर हो गया, लेकिन बॉडी तो फिर भी भूखी है। आपने क्योंकि क्लीन प्रोटीन सोर्सेज दिए। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोटीन के अंदर जो मैंने अभी टेबल पे रखा है, आजकल मैं ये ले रहा हूं, जीरो कार्ब, जीरो शुगर, कुछ भी नहीं है, प्योर प्रोटीन सोर्स है। सो नाउ द बेनिफिट है, आपने मसल को प्रोटीन दे दिया, अब क्या हुआ कि मसल तो रिकवर हो गया लेकिन बॉडी भूखी है। तब आपकी बॉडी जाती है, आपके जो स्टोर्ड फैट है आपकी बॉडी में, जो एक्सेस फैट जो है, जो पुराना इंजन ऑयल आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हुआ है, वो उसको लेती है और उसको एज ए एनर्जी यूज करना शुरू कर देती है। जब वो आपकी बॉडी के स्टोर पुराना फैट को एज ए एनर्जी यूज करने लग जाती है, आपकी बॉडी स्टार्ट सर्वाइविंग ऑन दैट फैट जो कि आपकी बॉडी में सेव है, एंड हेंस यू कैन लूज मोर वेट फास्टर। सो उस प्रोसेस को कहते हैं कीटोसिस। उसके ऊपर मैंने एक लंबी चौड़ी वीडियो भी बनाई हुई है, यू नो आई हाईली रेकमेंड, आप वो वीडियोज भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखें। सो इन अ नटशेल, प्रोटीन आपकी हेल्प करता है जब आप वर्कआउट करते हैं, मसल को तोड़ते हैं, मसल को रिकवर कराने में। जब मसल रिकवर होता है, आपने एक्सेस सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स वगैरह नहीं दिए हुए, आपकी जो बॉडी है वो आपके स्टोर्ड फैट को खाने लग जाती है। उसके करके आपका मेटाबॉलिज्म हर टाइम तेज चलता रहता है, उसके करके आपकी बॉडी वेट लूज करती है। सो सवाल अगर आप ये करते हैं कि सनी भाई क्या प्रोटीन शेक पीने से मेरा वजन लूज होता है, 110% होता है। ग्रांटेड आपकी डाइट ठीक हो, आपका वर्कआउट ठीक हो और आप प्रॉपर प्रोटीन इंटेक लें। अब ये जो प्रोटीन शेक मैं आज यूज कर रहा हूं, इट्स बाय साइट्रॉन न्यूट्रिशन, इट्स अ वे आइसोलेट। आइसोलेट जो होता है सबसे प्रीमियम क्वालिटी प्रोटीन होता है। द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट टुडे विद यू इज सबसे ऊपर देखें, मैंने जब भी कोई प्रोडक्ट लेके आया, मैं सबसे पहली बात अफोर्डेबिलिटी की करता हूं। 2 पाउंड 30 सर्विंग्स ऑफ प्रोटीन शेक, 30 सर्विंग्स ऑफ प्रोटीन शेक, 0 फैट, 0 कार्बोहाइड्रेट्स, 0 शुगर और 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। They're on sale 50%, almost 50% off, 1050 रुपए में, which is again, मैंने बेतहाशा प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किए हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी की ये प्राइस नहीं, इतनी कंपेटिटिव प्राइस, मेरी अपनी सप्लीमेंट लाइन है, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकता इतनी। सो आई डोंट नो हाउ दे आर मेकिंग मनी। सो साइट्रॉन न्यूट्रिशन की आई एम हाईली रिकमेंडिंग, स्पेशली नाउअडेज 50% ऑफ सेल, 1050 रुपए में, 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, विच इज वेरी वेरी अमेजिंग प्राइस, 27 ग्राम प्रोटीन पर सर्विंग। एंड दिस इज जो रॉ आइसो है, दिस इज नॉन फ्लेवर्ड। सो वन थिंग आई लाइक अबाउट दिस इज, देखें मैंने आपको चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बेतहाशा फ्लेवर मिल जाते हैं। सो नॉन फ्लेवर का फायदा क्या है कि समटाइम आप अक जाते हैं यार, सेम लिमिटेड फ्लेवर खा खा के। इसके अंदर यू कैन कम अप विद योर ओन फ्लेवर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पोस्ट वर्कआउट ले रहे हैं, आपने वेट गेन करना है, आपके कार्बोहाइड्रेट्स कम है, आप केला थ्रो कर सकते हैं, तो आपका केले का शेक बन सकता है। आप यू नो यू कैन मिक्स अप व्हाटएवर यू वांट, आप फ्लेवर ड्रॉप्स डाल सकते हैं। सो समटाइम इट्स ऑलवेज गुड टू ट्विस्ट around with the flavors as well, rather than just sticking to the traditional vanilla and chocolate and blah blah blah. So I highly recommend, आजकल मैं खुद ये ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको लगे मैं ट्राई नहीं कर रहा, इधर मैं डब्बा पाड़िया हुआ देख लो, तो डब्बा में पाड़िया हुआ ही मैं ट्राई कर रहा है, मैं दूजा और कोई प्रोटीन नहीं पी रहा। सो दिस इज अगेन अ प्रोडक्ट दैट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट, बट अगेन इन अ नटशेल आई हाईली रेकमेंड यू गाइज, अगर तो आप अपनी प्रोटीन की इंटेक बाकी वेजिटेरियन सोर्सेज या मीट के सोर्सेज से कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू बाय अ प्रोटीन शेक। बट बेस्ड ऑन मेरे 15-20 साल के एक्सपेरिमेंट, मुझे पता है कि इट्स वेरी हार्ड टू अपनी हम प्रोटीन की इंटेक जो है वो बाकी खाने पीने की चीजों से कर सकें। सो आई हाईली रिकमेंड ड्रिंकिंग प्रोटीन शेक पोस्ट वर्कआउट, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर डाइट प्लान एंड प्रॉपर एक प्लान बना के अगर आप अपनी बॉडी पे अटैक करेंगे, इट कैन हेल्प यू लूज वेट। अगर आप कहते हो सनी भाई यार मुझे नहीं पता क्या वर्कआउट करना है, क्या डाइट करनी है, आई एक्चुअली ऑफर ऑनलाइन कोचिंग। वो क्या होती है कि एवरी 2 वीक्स में आपको नए वर्कआउट और नई डाइट बना के देता हूं। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर जाओ www.mybollywoodbody.com और वहां पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो मेरे साथ कोचिंग करने के लिए। Once again, I wanted to remind you, there is a giveaway at the end of this video. आपने comment box के अंदर लिखना है I love my Bollywood body. 1000 कमेंट जब हमारे पूरे हो गए, we're gonna announce a winner most likely in about a week's time. एक प्रोटीन शेक फ्री ऑफ कॉस्ट हमने आपको डिलीवर करना है। सो गाइस मेक श्योर टेक पार्ट इन दिस गिव अवे, मेक श्योर ट्राई साइट्रॉन न्यूट्रिशन वे आइसोलेट एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती कभी कभी डिसलाइक बटन भी कर देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कम अगेन, रब रखा।